हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष शेखर आ गया और जानकारी इस बार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि मुझे जियो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए या एयरटेल एक्सट्रीम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको जियो ब्रॉडबैंड के साथ क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन के साथ क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, कौन सा मेरे लिए अच्छा प्लान रहेगा डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के रिस्पेक्ट में। अगर मेरे को 40 एमपीएस या 30 एमपीएस का प्लान सब्सक्राइब करना है तो कौन सा लो कॉस्ट का रहेगा और मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या उससे हाईर प्लान को सब्सक्राइब करना है तो कौन सा मुझे प्लान लेना चाहिए ताकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके, देखते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीषा मनीष शेखर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और जियो फाइबर किस टाइप के प्लान प्रोवाइड करते हैं। तो जहां आपको जियो फाइबर प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड की भी सुविधा प्रदान करता है, वहीं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सिर्फ पोस्टपेड की सुविधा प्रदान करता है। जियो फाइबर के प्रीपेड प्लान में आपको मिलता है 30 डेज का फ्री ट्रायल और साथ में मिलते हैं दो ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आपको भरने पड़ेंगे 1500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, जो अगर आप कनेक्शन को निकलवाते हो तो आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको मिलने वाला 150 एमपीएस स्पीड का इंटरनेट, वो भी अनलिमिटेड। साथ में आपको कोई भी OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा और ना ही सेटअप बॉक्स मिलेगा। अगर आप 2500 रुपये भरते हो तो वो सारे चीज़ें मिलेंगी साथ में। साथ में आपको मिलने वाला है OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन और सेटअप बॉक्स के साथ 550 प्लस चैनल्स का एक्सेस। अगर आप जियो फाइबर का पोस्टपेड प्लान लेना चाहते हो और वो भी 3 महीने और 6 महीने और 12 महीने का एडवांस रेंटल पे करते हो, तो आपको फ्री इंस्टॉलेशन और 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। वहीं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, लेकिन आपको 1500 रुपीज़ भरने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप 4000 रुपये एडवांस पे करते हो तो आपको फ्री में हार्डवेयर इंस्टॉलेशन करके मिलेगा, मतलब इंस्टॉलेशन का कोई भी चार्ज आपको देने नहीं पड़ेंगे, और जो भी ये 4000 का अमाउंट है आपका जो भी रेंटल है हर महीने उसमें से वो डिडक्ट होते जाएगा। जब ये 4000 रुपये ख़त्म हो जाएगा तो आपको बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपको सेट ऑफ बॉक्स के साथ साथ एंटीना देता है, एयरटेल एक्सट्रीम वाईफाई राउटर देता है और लैंडलाइन का केबल देता है। एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स आपको तभी मिलेगा जब आप वैसा प्लान सब्सक्राइब कर लोगे। और जहाँ तक लैंडलाइन केबल की बात है, तो अगर आपके पास फ़ोन है तब आप इसका यूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नहीं है तो आप लैंडलाइन का कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, तो ये आपके लिए बेकार है। वही इंस्टॉलेशन एसेसरीज में जियो फाइबर आपको देता है जियो सेटअप बॉक्स, अगर आप वैसा प्लान सब्सक्राइब करते हो तो जियो वाईफाई राउटर आपको मिलेगा ही, साथ में मिलेगा आपको लैंडलाइन केबल। फ़ोन तो ये भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन आपको प्रोवाइड करेगा एक एप्लीकेशन जियो कॉल, जिसके थ्रू आप लैंडलाइन नंबर का यूज करके किसी भी नंबर पे कॉल कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में जियो कॉल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लैंडलाइन कनेक्शन का नंबर डाल के उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, और फिर बाद में अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो उस नंबर से कहीं पर भी कॉल कर सकते हो और कॉल रिसीव भी कर पाओगे, लेकिन आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या क्या स्पीड प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या प्लान्स हैं डिफरेंट स्पीड के। तो 30 और 40 एमपीएस स्पीड कैटेगरी में जियो फाइबर देता है 30 एमपीएस का स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि लैंडलाइन में किसी तरह से क्या आपको वॉइस कॉल मिलने वाले। इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 399 रुपये प्लस 18% GST। वहीं आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर देता है 40 एमपीएस की स्पीड, जो कि 10 एमपीएस ज़्यादा है जियो फाइबर के, लेकिन उसके लिए आपको पे पड़ेंगे 100 रुपये एक्स्ट्रा भी, मतलब 499 प्लस 18% GST आपको पे करने पड़ेंगे। जहाँ तक सेटअप बॉक्स की बात करें तो ना ही जियो फाइबर ना ही एयर एक्सट्रीम फाइबर सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं इस प्लान के साथ। बट जियो फाइबर कोई OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं देता, लेकिन आपको एयरटेल एक्सट्रीम यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम के थ्रू 10 से ज़्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन देता है, मतलब आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम के अंदर ये OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलने अलग से नहीं मिलेंगे। जियो फाइबर का 399 का प्लान
प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड दोनों में मिलता है। पोस्टपेड में जियो दो और भी प्लान प्रोवाइड करता है। पहले प्लान में अगर आप 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हो, मतलब 499 प्लस 18% GST पे करते हो, तो आपको सेटअप बॉक्स मिलेगा, 7 OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये OTT ऐप मेरे अनुसार ज्यादा यूजफुल नहीं है, मेजोरिटी लोग इसको यूज नहीं करते हैं। साथ में आपको मिलता है 400 प्लस TV चैनल्स का भी सब्सक्रिप्शन, लेकिन वो TV चैनल मेरे अनुसार तो कोई काम के नहीं है। ना आपको सोनी मिलेगा, ना जी मिलेगा, ना कलर्स मिलने वाला है, ना ही स्टार मिलने वाला है, तो फिर वो क्या देखोगे आप? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन अगर आप 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो, मतलब 399 प्लस 200 प्लस GST, मतलब 599 प्लस GST पे करते हो, तो आपको मिलने वाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, सोनी लीप, G5, वुड सेलेक्ट, बूट किट्स, डिस्कवरी प्लस का सब्सक्रिप्शन, और साथ में मिलने वाले एडिशनल 150 चैनल्स का सपोर्ट, क्योंकि आपको OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो उसके चैनल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारा चैनल आप JioTV प्लस के थ्रू एंजॉय कर पाओगे। जैसे आप JioTV प्लस के चैनल पे क्लिक करोगे, वो OTT ऐप पे रीडायरेक्ट होगा और वहाँ पे आप वो एंजॉय कर पाओगे। तो अब बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान के बारे में। इस प्लान के लिए आपको 699 प्लस 18% GST पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मिलता है एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स और साथ में मिलता है 300 प्लस TV चैनल का सपोर्ट, मतलब आपको 350 रुपीज का ऑलमोस्ट रिचार्ज करके मिलेगा, जिसमें आपको सारे प्रीमियम एप्लीकेशन का SD वर्जन आप देख पाओगे, SD वर्जन नहीं SD, और आपको 40 MPS का अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल थ्रू लैंडलाइन, और साथ में मिलेगा वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसके थ्रू आप 10 प्लस OTT एप्स को एंजॉय कर पाओगे। तो इस प्लान में ये डिसाइड करना मुश्किल है कि किसके साथ जाएं, क्योंकि एयरटेल एक्सट्रीम आपको 100 रुपए ज्यादा ले रहा है, 10 MPS की ज्यादा स्पीड दे रहा है, लेकिन बदले में 3-4 OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन भी कम दे रहा है। स्पीड या OTT जो भी आपका प्रेफरेंस है उसके साथ आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं 100 MPS प्लान के बारे में। जियो फाइबर के प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड प्लान में दोनों में ही आपको 699 प्लस 18% GST पे करने पड़ेंगे। बदले में आपको मिलेगा 100 MPS का अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड वॉइस कॉल थ्रू लैंडलाइन, और कोई भी OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा और ना ही सेटअप बॉक्स मिलेगा। सेम स्पीड के प्लान के लिए आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा GST के साथ। एडिशनली आपको सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, जिसको आप मोबाइल में एंजॉय कर पाओगे। जियो फाइबर इस प्लान के साथ साथ पोस्टपेड में दो और प्लान भी प्रोवाइड करता है। पहले प्लान के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज एक्स्ट्रा प्लस GST, जिसमें आपको मिलने वाला है बेकार से OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन और बेकार से चैनल। लेकिन अगर आप 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो, मतलब 899 प्लस 18% GST पे करते हो, तो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, बूट सेलेक्ट, बूट किट्स, डिस्कवरी प्लस जैसे अच्छे OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और साथ में एडिशनल 150 TV चैनल्स भी मिलेंगे, और सेटअप बॉक्स तो दोनों ही प्लान में मिलने वाले हैं। तो 100 MPS का प्लान में जियो फाइबर बाजी मार लेता है। अब बात करते हैं 150 MPS के प्लान में। तो जहां एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ऐसा कोई प्लान प्रोवाइड नहीं करता, वहीं जियो फाइबर आपको 150 MPS का भी प्लान प्रोवाइड करता है। और अभी से जियो फाइबर के जो भी प्लान होंगे वो प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड में भी मिलते हैं। 150 MPS के जियो प्लान के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 999 प्लस 18% GST। साथ में आपको मिलेगा अनलिमिटेड वॉइस कॉल का सपोर्ट और 550 प्लस TV चैनल का सपोर्ट, और साथ में मिलेगा बेहतरीन OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन भी, जिसमें Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, बोट सेलेक्ट, बोट किट्स, डिस्कवरी प्लस जैसे बेहतरीन OTT एप्स शामिल है, और कुछ बेकार से OTT एप्स भी हैं सेटअप बॉक्स के साथ। 200 MPS के प्लान में जियो फाइबर आपको कुछ भी ऐसा प्लान प्रोवाइड नहीं करता, जबकि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपको 200 MPS का प्लान प्रोवाइड करता है, वो भी सस्ते दामों में। मतलब 1099 प्लस GST आप प्रोवाइड पे करते हो, तो आपको ये 200 MPS का अनलिमिटेड डेटा प्लान मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा DTH सेटअप बॉक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम का भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसको आप अपने DTH बॉक्स के थ्रू एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों 200 MPS के प्लान की रेस में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में बाजी मार ली है, क्योंकि वो अकेले ही दौड़ रहा था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अब बात करते हैं 300 MPS के प्लान के बारे में। तो जियो फाइबर को 300 MPS का प्लान प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1499 प्लस 18% GST, जिसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और बेहतरीन OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन। सिर्फ इसमें एडिशनली आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, बाकी सारे OTT एप्स सेम है। वहीं पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपको सेम प्लान के लिए 1599 प्लस 18% GST चार्ज करता है, और साथ में देता है उससे भी कम OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको G5, वुड सेलेक्ट, वुड किट्स,
ये सारे चीज नहीं मिलने वाले। और सोनी लिव का भी अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं देता, वो आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम के साथ ही देता है। तो यहाँ पे जियो फाइबर आसानी से बाजी मार लेता है। अब बात करते हैं 500 एमपीएस के प्लान के बारे में। तो एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ऐसा कोई प्लान प्रोवाइड नहीं करता, जबकि जियो फाइबर आपको ये प्लान प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2499 प्लस 18% जीएसटी। साथ में आपको सारे ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है। अब बात करते हैं फाइनल प्लान 1 GBPS के लिए। दोनों ही 1 GBPS का प्लान प्रोवाइड करते हैं। पहले बात करते हैं जियो फाइबर। इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 3999 प्लस 18% जीएसटी, जिसे मिलेगा आपको अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और बेहतरीन ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन। ये वही सारे ओटीटी एप्स हैं जो जियो के अर्लियर प्लान में मैंने आपको बता दिए। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर भी आपको उतना ही चार्ज करता है, लेकिन आपको ओटीटी ऐप यहाँ पे कम मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब जहाँ तक फेयर यूज पॉलिसी की बात करें, तो जियो फाइबर 3300 GB पर मंथ फेयर यूज पॉलिसी के तहत देखो, आप 3300 GB तक तो विदाउट स्पीड ड्रॉप यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा यूज करते हो तो आपका स्पीड ड्रॉप हो जाएगा। वहीं एयरटेल एक्सट्रीम फेयर आपको 3333 GB पर मंथ फेयर यूज पॉलिसी के तौर पर डेटा देता है। उसके बाद अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो आपका डेटा का स्पीड ड्रॉप हो जाएगा। फाइनल प्लान है जियो फाइबर का, अगर आप एडिशनल डेटा यूज करना चाहते हो जो कि 6600 GB तक है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 8499 प्लस 18% जीएसटी। वैसा कोई प्लान नहीं है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में, क्योंकि ये तो बेवकूफी भरा प्लान है, इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा। यहाँ डबल से भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है उतने ही डेटा के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये कोई प्लान समझदारी वाला है, तो इसको आप इग्नोर ही करो। तो ये सारे थे आपको प्लान, आप समझदारी से जो भी आपको इजी लगे, जो जिसमें आपको कम इन्वेस्ट करना पड़े आप उस पे जा सकते। ध्यान रखना है कि आपको जियो सेटअप बॉक्स के अंदर में सारे ओटीटी कंटेंट और चैनल्स ऑनलाइन चलेंगे, वहीं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में ओटीटी ऐप्स तो ऑनलाइन चलेंगे लेकिन टीवी चैनल्स ऑफलाइन चलेंगे। तो जियो फाइबर में आपको टीवी चैनल देखने के लिए डेटा कंज्यूम करने पड़े। इस वीडियो में यही तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।